किनारे पे पहुंच गए, दामा ने गेंद निकाली, भगवान को पकड़ा ली। अब वही बात फिर से कही, क्यों चिल्ला रहा है? चली गई, चली जाने दे, यशोदा से कहेंगे दूसरी गेंद बनवा देंगे। दामा कहने लगा, दूसरी नहीं खोई गई भाई, 50 बार मैंने तुमसे कहा था कि मेरी गेंद भी चली न जाए। कमल के फूल कई समय मंगवाए, घर में धामा नहीं बना उसके डर से, और हम इस दोस्त धारे के तमाचा मार देंगे। आओ, जो ये वचन सुने मुरलीधर बोले, दामा कमल के फूल कंस की तौल से इतनी बड़ी बात बोल रहा है तू? तेरी आंखों के सामने ही कंस को धूल में न मिला दिया। इतना कह के कुंड में कूद पड़े अपने पति को, और कुछ बात उसी से हम भी देख लें तेरे पति की हिम्मत। अपने पति को कुछ बात उसी से करना है, जब मरने कोई आया तो फिर मरने से क्या करना है। मुरलीधर बोले, जगाओ इसे, हम भी देखे तेरे पति की हिम्मत, हम भी देखे तेरे पति का बाहुबल। दूसरी नागिनिया बोली, बाबा हम भी देखे तेरे पति की हिम्मत, नहीं जगाओगी? हमें जगाना आता है। पहुंच गए जहां नाग सो रहा था, खड़े रहे खड़े रहे। इतना कही के नाग की पूछ कुदो दबाई, हम हल के फन मारे
कन्हैया के बदन से कालिया नाल। फुसकार जब निकलती है तो आंख जैसी लपटें छूट जाती हैं, जहर से यमुना का पानी भी खौलने लगा। मुरलीधर ने देखा अब हम तो गिर गए। पिचका दी झटकाली नाग को नाथी लिया, फन पे सवार हुए और जिस फन को कालिया नाग ऊपर उठाता है मुरलीधर उसी पे पहुंच जाते हैं। आग जैसी लपटें जो छूट रही थी वो धीरे धीरे गायब हो गई और कालिया नाग के मुंह से खून बहने लगा, जिससे यमुना का जल भी लाल होके बहने लगा। कालिया नाग अपने अभिमान को त्याग करके बंसी धर की बंसी की धुन में मस्त होकर के और नाचने लगा। यानी कि रुक गई स्वासी धन कांति उठो और वो बंद आप ही ज्वाल भई। शरीर जो पड़े थे बंदा बन के लोग सब उठ करके खड़े हो गए। माँ यशोदा ने झपट करके भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। कमल के फूल कंस को भेजे गए, मगर वो कंस कमल के फूल निहार करके बीमारी उसकी कम नहीं हुई और ज्यादा बढ़ गई। कालिया नाग अपने परिवार को लेके कालीदेह का त्याग करके और वहां से अपने स्थान पर रमणक द्वीप पर चला।